हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास. तो सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर नंबर 8 यानी कि फिजिक्स पोर्शन, जो कि चैप्टर नेम है मोशन. मोशन आपने साथ सुनते ही आपको लगा होगा कि मोशन हमारे डे टू डे लाइफ में यानी इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है. अंडरस्टैंड. तो आज इस चैप्टर में हम आपको इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में कैसे ऐसे हमें मोशन के बारे में समझना है, किन किन चीज़ों को, किन किन फिनोमिना को हम कह सकते हैं कि ये मोशन है और किन फिनोमिना को हम ये कह सकते हैं कि मोशन नहीं हो रहा है. ठीक है, साथ ही कुछ एक्टिविटी भी देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट वैल्यू भी देखेंगे कि इसमें एक्सपेरिमेंट वैल्यू से कैसे हम बता सकते हैं कि इनमें कैसे मोशन की वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका. और उम्मीद होगा आप पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे. कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बोलूंगा उस चीज़ को आप नोट्स करोगे. और इसके पहले वाला जो वीडियो होगा मेरा, यानी कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था मैटर इन सराउंडिंग का, एक बार आप उसको भी रिवाइज करते रहिएगा, स्टडी अपनी बनाए रखिएगा. ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन. आपने अपने इस रोजमर्रा की जिंदगी में यानी डे टू डे लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा होगा कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं कि कुछ रेस्ट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मोशन करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि सिंस जैसे बर्ड्स फ्लाई कर रही है, जैसे पंछियां जो होती हैं, जो चिड़िया वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा जितने भी बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं. ठीक है, आपने स्विम में देखा होगा, फिश को स्विम करते हुए देखा होगा, तैरते हुए देखा होगा, मछलियों को तैरते हुए आपने देखा होगा. अच्छा, आप बैठे हो या फिर आप लेटे हुए हो, ठीक है, सोए हुए हो या स्लीप कर रहे हो, तो आपको लगेगा मैं रेस्ट कर रहा हूँ. हालांकि आपको दिखने पे आपको रेस्ट हो रहा है, बट भी आपके अंदर एक मोशन हो रहा है. वो मोशन किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड फ्लो थ्रू विंस एंड आर्टरीज में हो रहा है. ठीक है, यानी कि जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है किसमें, आप हमारे जो हमारे वेनिस होते हैं या फिर आर्टरीज होते हैं उनमें क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, यानी इसकी ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है. जैसे कार मूव कर रही है, ठीक है, जैसे कार भी क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है. जैसे कार चलती हुई आपके तो जनरली आप देख ही रहे हो कि कार मूव कर रही है. ठीक है, साथ ही साथ आपने इसी चैप्टर में क्लास नाइन्थ में आपने एटम मॉलिक्यूल्स या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एटम्स मॉलिक्यूल्स, या मैंने शायद बताया होगा कि एटम्स में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एटम्स से ही क्या बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जो अगर मैं एटम की बात करूंगा तो आई होप कि आपको मॉलिक्यूल्स के भी कंसेप्ट समझ में आएंगे. तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्कुलर पाथ में वेरी हाई स्पीड द न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है बहुत हाई स्पीड में, एक ऑर्बिटल में, फिक्स ऑर्बिटल में एक वेरी हाई स्पीड के क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट होता रहता है, यानी कि रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड. ठीक है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अराउंड में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है वहां पे. ठीक है, तो एटम्स में भी ऐसी चीजें हो सकती है. जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, स्टार्स भी आपने देखा होगा. आपने यहां तक स्टार्स की बात कर रहे हो तो साथ ही साथ आपने गैलेक्सी जितने भी होते हैं इन सब में क्या होता है, मोशन तो होता ही होता है. इनकेस आप देख भी रहे हो, जान भी रहे हो. जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो अर्थ है ये भी क्या करता है, एक मोशन करता है. अब ये मोशन कैसे करता है, इसके लिए पीछे का फिनोमिना क्या हो सकता है कि आप देखो जो हमारा सन होता है, सन के सराउंडिंग में अर्थ क्या करता है, मोशन करता है, एक कंप्लीट करता है, अपना रोटेट कंप्लीट करता है. और अर्थ से भी कुछ चीजें ऐसे होती है जो उसके साथ भी क्या करते हैं, उसके और आपके एक एक्सिस पर, और उसके साथ जैसे स्टार्स वगैरह होते हैं, मून वगैरह होते हैं, ये सब क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अर्थ भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहे हैं किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के, मतलब सॉरी सन के. ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी कि उसके सराउंडिंग में वेरी हाई स्पीड एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सन के भी चारों तरफ यानी कि उसके सराउंडिंग में एक स्पीड में एक एक्सिस पे क्या कर रहा है, अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मोशन तो हो ही रहा है. ठीक है, तो इन सब के पीछे का फिनोमिना क्या है, मतलब कैसे आप कह रहे हो कि ये सब हो रहा है. तो हम मोशन को कैसे कह सकते हैं, मतलब मोशन के लिए हम क्या बता सकते हैं, कि हम मोशन को आपके लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि अगर एक टाइम पे मान लो आप यहाँ पे हो
और अगर आपने मान लो आप कुछ समय पे यहाँ पे थे, अगर अगले कुछ समय में आपने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है, तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्या हुआ है, मोशन हुआ है। जैसे आप कोई भी चीज, जैसे अब यही जो अर्थ रोटेट कर रही है मतलब सन के अराउंडिंग में, तो वो कितना पूरा एक वर्ष में अपना कंप्लीट करता है, तो कुछ न कुछ समय लेता है, कुछ न कुछ टाइम लेता है, फिर वो अपने क्या करता है, अपने फिर पोजीशन को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है, अपने पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे इन सारे फिनोमिना के बाद हम ये डिस्कस कर बता सकते हैं, या हम इस चीज को हम समझ सकते हैं कि बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मोशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइम क्या हो सकता है हमारा, चेंज हो सकता है, यानी कि टाइम चेंज होना भी अगर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब कि अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है समय के साथ, अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं वो, अगर वो चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके पीछे का रीजन ये होगा कि वहाँ पे कि आपका कि कहने का मतलब कि उसमें भी आपका मोशन कर सकते हैं हम, इस बेस पे हम इस चीज़ को हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके लिए। तो आपको सबसे बढ़िया डिफिनेशन यहाँ पे अगर निकलना चाहें कि क्या मोशन, अगर आप डिफिनेशन बताना चाहो कि मोशन की डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, तो मोशन के लिए हम लिख सकते हैं, आप लोग लिखो कि मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वहां पे हम क्या करते हैं, मोशन पाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स। तो आज आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, जैसे इसमें हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, पोजिशन भी देखेंगे स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, और कुछ स्केलर्स और वैक्टर क्वांटिटी को भी हम देखने वाले हैं कि कैसे इनमें फिनोमिना आता है। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा कि मोशन की डिफिनेशन क्या होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मोशन अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वहां पे एक मोशन क्रिएट होता है। ठीक है, चलो आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपने एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, जो एयर है, एयर एयर में भी मोशन होता है, बट हम उसको कैसे अनुभव करते हैं, उसका कैसे हम फीलिंग लेते हैं कि इसमें एयर में भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग को, अपने माइंड को थोड़ा रिकॉल करो, दोहराओ कि आप सोचो कि एयर में भी एक मोशन हो रहा है, बट उसमें कैसे मोशन हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि उसका अनुभव कहाँ से लगा रहे हैं, उसको हम फीलिंग कहाँ से ले रहे हैं, कि जो हमारे धूल मिट्टी कण या फिर जो हमारे पेड़ के जो पत्तियां वगैरह होती हैं या जब हिलने लगती हैं, तो हम यहाँ लगाते हैं कि एयर में भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी एयर में ये चीज हो रहा है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखा हुआ है कि हाउ देयर इज अ सिचुएशन वेयर द मोशन इन्फर थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंस। फॉर एग्जांपल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मोमेंट ऑफ डस्ट एंड द मोमेंट ऑफ लीव्स एंड द ब्रांच ऑफ ट्री। तो व्हाट कॉजेस द फिनोमिना। अच्छा, अब एक आपको और चीज बताओ, मुझे आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो सनराइज होना, सनसेट का होना, या फिर जो हमारे सीजन्स होते हैं उनका जो चेंज होना, जैसे कभी सर्दी गर्मी ठंडी आती है, फिर जो सूर्यास्त का होना या सूर्योदय का होना, इनके पीछे का भी अगर इनके पीछे मोशन है, अगर इनके पीछे भी क्या है, अगर मोशन है, तो इनके बारे में क्या सोचोगे आप, मतलब ठीक है इन परिस्थितियों में, इन घटनाओं में, इन घटनाओं के पीछे का क्या कारण हो सकता है। आप ये भी रीजन बनाओ कि आप सोचो कि इनके पीछे का मतलब सूर्यास्त का होना, सूर्योदय का होना, या फिर ये मौसम मौसम का चेंजेस होना, इनके पीछे का क्या घटना हो सकती है, यानी क्या कारण हो सकता है। अगर आप ये बता रहे हो कि सन के चारों तरफ अर्थ अगर मोशन कर रही है, तो क्या हम उसकी स्पीड बता सकते हैं, तो उसकी स्पीड हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या ये सत्य हो सकता है ये सब चीजें। तो हम इसके पीछे का मतलब यही फिनोमिना है कि अगर हम अर्थ अगर क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो हम अर्थ की जो स्पीड है उसका हम अनुमान क्यों नहीं लगा पाते हैं कि वो कितनी स्पीड में जा रही है, ये आपकी सोचने की बात है। ठीक है, अब इसके पीछे का भी एक रीजन बताऊंगा और इसके इस साथ एक एग्जाम्पल आपको मैं देने चाहता हूं। आप थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाओ और आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। जैसे यहां पे भी दे रखा है वो चीज एग्जाम्पल कि कोई भी ऑब्जेक्ट मे बी अपीयर टू मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम सम अदर। कहने का मतलब कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए या किसी भी एक पर्सन के लिए कोई भी एक वस्तु मूविंग हो सकती है, मतलब वो मूविंग हो प्रतीत हो सकती है, उसको फीलिंग हो सकती है, जबकि वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, वो स्थिर यानी कि कॉन्स्टेंट हो सकती है।
स्टेशनरी हो सकती है, स्टेशन मतलब फिक्स हो सकती है, स्थिर हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी, मूविंग करेगी, यानी गति में गतिमान रहेगी वो, मतलब ठीक है बात समझ रहे हो, गति मूविंग करती रहेगी ठीक है। लेकिन जबकि वही वस्तु दूसरे के लिए यानी वही ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए क्या रहेगी आपकी, स्थिर रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। अब इसके पीछे का क्या फिनोमिना है, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आप मान लो कि बस में बैठे हो या आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आप चल रहे हो ठीक है, यात्रा कर रहे हो, या कुछ बस में और भी बहुत सारे यात्रियां बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग करने के लिए आप देखोगे कि सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि अपने सड़क के किनारे जो लगे हुए हैं पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपसे क्या होते जाते हैं, पीछे होते जाते हैं। मतलब आप बस में बैठे हुए हो, आप फीलिंग ऐसे रखो आप बस पे बैठे हुए हो, तो आप बस आगे जब चल रही है तो आपको ऐसा दिखता है कि पेड़ पौधे या वो भी कोई इंसान या कुछ भी जो चीजें हैं आपसे क्या होते जाते हैं, पीछे होते जाते हैं। तो आपको ऐसे दो फीलिंग दिखाई देगी, आपके लिए वो फीलिंग दिखाई दे रही कि पीछे जा रहे हैं, बट वहां पे अगर कोई पर्सन खड़ा है सड़क के किनारे तो उसको ये लगेगा कि इस बस में जो भी इंसान बैठा या आप जो बैठे हुए हो, आप कार के साथ उस बस के साथ आप भी क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। और जबकि उस बस में अगर आप दूसरे व्यक्ति के लिए सोचोगे, यानी आपके जो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है वह आप उसको देखोगे तो कॉन्स्टेंट है, वो तो बैठा हुआ ही है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इसको समझने के लिए, इस बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपको इसको समझाने के लिए मेरे लिए। तो आगे यही मतलब कह रहे हैं कि हम कि जो कि पेड़ पौधे के लिए वो गतिमान प्रतीत होती है, जब पेड़ पौधे के लिए वो जो चीज क्या होती है, गत करती रहती है, वो जो बस चल रही है तो पेड़ पौधे के लिए वो गत करती रहती है ठीक है। जबकि सड़क के किनारे एक खड़ा व्यक्ति जो है पर्सन है वो बस के साथ यात्रियों को भी गत करते हुए पाता है। अगर मान लो आप बीच खड़े हो जाओ, अगर आप देखोगे तो आपको उस यात्री में सारे बस में जो बैठे हुए हैं सब उस बस के साथ क्या दिखाई देते हैं, गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जबकि वहीं पे ही अंदर बैठा हुआ, मैंने अभी बताया आपका कोई साथी होगा, वो किस में पाया जाता है, एक स्टेट अवस्था, एक रेस्ट अवस्था में पाया जाता है। तो इसका अवलोकन क्या संकेत करता है, क्या ये बताना क्या चाहता है, इसका क्या पीछे का रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट होती है दो हो सकती है, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट भी हो सकती है और शायद दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन हो सकती है, या उसके रिस्पेक्ट में मोशन हो सकती है और आपके रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है, रेस्ट हो सकती है, या दोनों बातें आपके लिए सेट हो सकती है। जैसे इसके पीछे का एक क्वेश्चन आपके दे रह सकता हूं या पूछ सकता हूं कि आपके क्लासरूम में आपके घर में जो दीवारें आपको दिखाई, जो वॉल दिखाई दे रहे हैं तो किस स्टेट में है, वो मोशन में है कि वो आपके रेस्ट में है। तो इसके पीछे एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन इसके पीछे यहां पे पूछा है कि डिस्कस एक्टिविटी 8.1 देखो, डिस्कस वीदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट आर या मोशन, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सोचो अगर ये इसका आंसर आप दे सकते हो, मैं भी बोल सकता हूं आपको कि अगर आपको देखा जाए तो वैसे वो रेस्ट है, किसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये रहा इंटरेस्टिंग मोशन के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपको एडवांस लेवल पे एडमोशन के बारे में अगर पढ़ना है, हायर क्लास में अगर आप आ रहे हो तो इन बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो आज के लिए हमने आपको ये बता रहे हैं कि मोशन क्या होता है। हालांकि यहाँ पे 8.2 भी एक एक्टिविटी दे रखी है और उस एक्टिविटी में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको अनुभव करना है कि मान लो आप रेलगाड़ी में बैठे हुए ट्रेन में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, बढ़िया सा आनंद लेते हुए जा रहे हो ठीक है। अब आपको पता है कि ट्रेन तो क्या कर रही है, मोशन कर, प्रतीत ऐसा लग रहा है ट्रेन क्या कर रही है, मोशन कर रही है, जबकि वास्तव में ये देखा जाए कि वो एक रियल, यानी कि आप बैठे हुए तो आप गत कर रहे हो लेकिन आपको देखा जाए जैसे आप किस में हो, रेस्ट अवस्था में। तो इस पर आप चर्चा करो, ऐसा क्या, इसका पीछे का रीजन यही है, यानी वहां पे भी दो ही चीज होगा कि आप अगर उस ट्रेन में बैठे हो तो आपको लग रहा है कि मैं ट्रेन के साथ मोशन करूं, बट आपके जो सहपाठी होगा वो आपको किस में दिखाई देगा, स्टेशनरी में दिखाई देगा, कांस्टेंट में दिखाई देगा। और आप वही तरह अगर आप ट्रेन के बाहर खिड़की में से आप देखोगे कि पेड़ पौधे क्या होते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, और उसमें से अगर आप देखोगे कोई व्यक्ति अगर बाहर से देखेगा कि ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन के साथ साथ जो भी यात्री हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उसमें मोशन कर रहे हैं। तो ये उसके पीछे का क्या निकलता है, एक फिनोमिना आ रहा है। तो ये आपको एक्टिविटी आपको सोचना और समझना है, साथ में साथ यहाँ पे थिंक और एक्ट दे रखा है, आप उसको भी आपको रीड कर लेना होगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ और भी बातें समझाना चाहता हूँ। जैसे मोशन जो होता है ना, मोशन में, मोस्ट ऑफ मोशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि ज्यादातर मोशन जो होते हैं क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो कुछ ऑब्जेक्ट में भी मूव स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में भी मूव करती है, कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में भी करती है, कुछ रोटेट करती है, तो कुछ वाइब्रेट कर जाती है। तो देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज,
मतलब ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होगा जो कि एक ही साथ में भी क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, मतलब कि हो सकता है ये सारी सिचुएशन एक ही में आ सकती है, मतलब उसमें वाइब्रेट भी करेगा और क्या कर सकते हैं कि आपके रोटेट भी कर सकता है, स्ट्रेट लाइन भी जा सकते हैं, तो एक साथ वो सब के सब उसमें आ सकती हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने कह रहे हैं। मतलब उनमें सब कुछ हो सकता है ना, कि स्थिर भी हो सकते हैं, कंपन भी हो सकते हैं, ये सारी क्रिया एक साथ भी हो सकती है। तो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम यही यहाँ पे स्टडी करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का मोशन देखने वाले हैं, कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, और साथ ही साथ उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में हम ये देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे उसमें मोशन करते हैं उसके बारे में सोचेंगे, और हम कुछ और भी मोशन के वो सिंपल से इक्वेशन और उनके ग्राफ्स के माध्यम से हम इनकी क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इनको हम समझेंगे और उसको भी हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम किस पर देखेंगे, एक सर्कुलर पर हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन पर क्या करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए बस आज इंट्रोडक्शन ही मैं दे रहा हूं आपको, और इंट्रोडक्शन में आपको बस इतना है। आज हमने क्या समझा, मोशन के मैंने ऑलरेडी आपको डिफिनेशन भी बता दिया, एक बार अगेन फिर कहूंगा, मोशन अकर व्हेन चेंज ऑफ पोजीशन, ऑब्जेक्ट चेंज ऑफ पोजीशन विद द टाइम, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन अपनी चेंज कर रहे तो हम वहां क्या कहते हैं, उसको मोशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, साथ ही साथ टाइप ऑफ मोशन भी देखेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर में एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, तो आपको हम एक एक करके दिखाएंगे, साथ ही साथ कुछ हमें यहाँ पे इक्वेशन भी मिलेंगे, कुछ ग्राफ के भी हिसाब से करेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तब तक के लिए आप क्या करोगे, इसको रीड करो, समझो, पढ़ो, और इस पर जो भी मैंने अभी आपको वो एक्टिविटी बोला है उस एक्टिविटी पर आप सोचो, थिंकिंग करो। तब तक के लिए आपको ये सब फीलिंग मिलता रहेगा और वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू।